अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू टेस्ट ऑफ लाइफ। आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, स्पाइसी चिकन विंग्स। ये बहुत ही बेसिक मसालों में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन विंग्स, हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 चुटकी जायफल, 1 चुटकी जावित्री, 1/4 टीस्पून फूड कलर, 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम चिकन विंग्स की मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल में दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, फूड कलर, नमक और लेमन जूस डालेंगे और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस मैरिनेशन में हम चिकन विंग्स को डालेंगे। और अच्छी तरह से इस मसाले को इन चिकन विंग्स पे हम लगा लेंगे। अब इन चिकन विंग्स को 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला इन चिकन विंग्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम पैन में ऑयल डालकर गरम करेंगे। अब इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन विंग्स को फ्राई करेंगे। अब इन चिकन विंग्स को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच पर पकने देंगे। विंग्स का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी चिकन विंग्स तैयार हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।